हेलो एवरीबॉडी, रिसेंटली लेबनन से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लेबनन ने हाल ही इंडिया को कहा है कि आप हमारी मदद करो, आप इसराइल से बात करो कि वो लेबनन में जो कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग कर रहा है उसे रोक दे। लेबनन अर्जेस इंडिया टू होल्ड टॉक्स विद इसराइल टू डी एस्केलेट। इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स आज पब्लिश हो रहे हैं ऑल अराउंड द मीडिया आउटलेट्स। अब देखो, इस पर यहाँ पर एक चीज आप सोचोगे कि अरे अचानक से क्या हो गया लेबनन को, अभी तो बात किया जा रहा था कि हम इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, हम इसराइल से लड़ेंगे, हम इसराइल पर अटैक करेंगे, इस तरह के कई बातें करी जा रही थी यहाँ पर। तो देखो क्या यहाँ पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा हाल ही दिया गया जो धमकी था, क्या वो यहाँ पर काम कर गया है? क्या इसका असर देखने को हमें मिल रहा है? और अगर ऐसा है तो हिजबुल्लाह का क्या होगा? क्या हिजबुल्लाह इस तरह का चीज यहाँ होने देगा अगर लेबनन इन सारे चीजों से पीछे हटे तो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आज लेबनन में नाज़िब मिकाती की गवर्नमेंट है। हालांकि इनके गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवरऑल नहीं है लेबनन में बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मेजरली लेबनन को कंट्रोल कर रहा है हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी है। तो यहां पर वो सारा ही चीज हो रहा है जो ईरान यहां पर कह रहा है। तो इनडायरेक्टली ईरान ही कहीं ना कहीं यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लेबनन को हिजबुल्लाह के मदद से, राइट? तो ये सारी चीजें आज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस लेक्चर में आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अभी हमें देखने को मिला है ओवरऑल, इस तरह का जो डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि लेबनन पीछे हटना चाह रहा है, इसका रीजन क्या है और क्या हिजबुल्लाह इस चीज को होने देगा? मेनी थिंग टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करें। दोस्तों, आज इसराइल बहुत बड़े पैमाने में बॉम्बिंग कर रहा है लेबनन में, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से कंटिन्यूअसली लेबनन से अटैक किया गया, स्पेसिफिकली हिजबुल्लाह ने अटैक किया है नदन इसराइल में, जिसकी वजह से ना यहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। एंड इवन ऐसा कहा जा रहा है कि 6,000 के आसपास यहां पर करीब जो लोग रह रहे थे, स्पेसिफिकली इसराइली नागरिक जो रह रहे थे, इनको इस रीजन को छोड़कर यहां से हटना पड़ा है, और जो कि इसराइल को इसके वजह से ना काफी ज्यादा गुस्सा भी आया है। और इस वजह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से यहां पर एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। इवन आज के वक्त में इसराइल इस चीज को नहीं देख रहा है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, आम सिविलियन डेथ कहां पहुंच रहा है। और देखो ये काफी ज्यादा ना खतरनाक है, इवन इसराइल के लिए भी ये आगे चल के ना बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि एक तरीके से इवन नेटो कंट्रीज जो है ना वो भी आज बढ़ते जा रही है इस चीज को लेकर। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ फ्रांस है, इवन कुछ और कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली आप टर्की ले लो, तो आज ये लोग ना कहीं ऑलरेडी इसराइल को यहां पर कह रहे हैं कि आप देखो गलत कर रहे हो। क्योंकि यहां पर अगर जिस का सिचुएशन गाजा में हुआ, तो देखो एक साल के ओवरऑल आसपास हो चुका है यहां पर इसराइल हमास वॉर में, और करीब 42,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो गाजा में जिस तरह का सिचुएशन हुआ, अगर वैसे ही यहां पर लेबनन में भी हो जाता है और अगर इसराइल इस चीज को करने की कोशिश करता है, तो इससे यहां पर इसराइल के लिए भी परेशानी बढ़ेगी, और इसी चीज से डर रहा है यहां पर लेबनन भी। क्योंकि आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कितना अटैक यहां पर किया गया है सदर्न लेबनन में, स्पेसिफिकली इसराइल के द्वारा, राइट? एंड यहां पर हिजबुल्लाह भी ना देखो रुक नहीं रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब भी यहां पर एयर स्ट्राइक होता है या फिर यहां पर कुछ भी इस तरह का अटैक होता है, तो ये जो हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स है, ये आम लेबनीज लोगों के बीच में रहते हैं, जिसकी वजह से अगर यहां पर एयर स्ट्राइक होता है तो यहां पर जो कैजुअलिटीज है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और देखो इसी चीज को हाईलाइट करते हुए यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक धमकी सी दी है लेबनन को कि अगर आप यहां पर नहीं रुकते हो, अगर लेबनन के लोग यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, तो यहां पर लेबनन का भी सिचुएशन कुछ गाजा जैसा ही हो जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हो। Do you remember when your country was called the pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago, but the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel,
killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way. A better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. तो देखो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देखो एक वक्त में लेबनान पल्स ऑफ मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर टूरिज्म प्रॉस्परस करती थी, लोग घूमने जाते थे, काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था लेबनान। आज क्या हो गया लेबनान को? आज यहाँ पर देखो टेररिज्म फैल गया है, वायलेंस फैल गया है, हर तरफ वॉर लाइक सिचुएशन है, राइट। इवन आपके कंट्री को तो आज के दिन ईरान ने कैप्चर कर रखा है, इस तरह का भी यहाँ पर बातें करी हैं यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने। आज एक्चुअली ईरान कंट्रोल कर रहा है आपकी कंट्री को, और ये कुछ हद तक एक्चुअली रियलिटी भी है। ईरान का आज प्रेजेंस बहुत ज्यादा है ड्यू टू हिजबुल्ला, खास करके लेबनन में। और इन्हीं सारे कारणों से ना आज के वक्त में लेबनन की जो एक्चुअल गवर्नमेंट, राइट, तो वो आज के वक्त में काफी ज्यादा चिंतित है कि कहीं सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, और इसीलिए ये यहां पे इंडिया को गुहार कर रहे हैं कि आप आओ, आप यहां पर आकर मीडिएट करो। वैसे इंडिया ही क्यों, देखो एक रीजन है इसके पीछे। इंडिया हमेशा से ही, देखो इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा पीस की तरफ रहा है, पहला चीज तो ये है। क्योंकि बाकी जितने भी हम स्टेक होल्डर्स देखते हैं, एक तरफ रशिया है, चाइना है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं आज के वक्त में ईरान को, राइट। दूसरी तरफ यूएस है जो इसराइल को बैक करता है, तो इवन फ्रांस जैसी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं आज के वक्त में, देखो वहां पर भी इसराइल, हालांकि अभी आज के वक्त में इसराइल के साथ फ्रांस का थोड़ा यहां पर रिश्ता खराब होते हुए दिख रहा है हमें, खास करके जब से कहा है कि हम आपको वेपन प्रोवाइड नहीं करेंगे फ्रांस ने, तब से यहां पर जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेम ऑन यू फ्रांस, इस तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को मिली है। तो फ्रांस तो यहां पर हो नहीं सकता, तो इस तरह की बाकी जो कंट्रीज है ना वो यहां पर नहीं दिखती हैं। लेकिन इंडिया जो है एक थोड़ा अलग तरह का कंट्री है, स्पेसिफिकली जब बात आता है हम किसी भी दो पर्सपेक्टिव को जब हम देखते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, वॉर लाइक कंडीशन को हमेशा खत्म करना चाहिए, और बैठकर हमेशा बात करना ही सही होता है, पीस ओवरऑल सबसे बेहतर विकल्प होता है। तो इसीलिए लेबनन इंडिया के तरफ में देख रहा है आज के वक्त में। और देखो आज रियलिटी भी यही है ना कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर किसी की सुनेंगे या सुन सकते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है यहां पर। क्यों? बाकी लीडर्स की अगर हम बात करें तो देखो एक तरफ में आज यूएस है जो कंटिन्यूअसली कितनी बार कहा है इसराइल को कि जाके ये मत करो, इस तरह का एक्टिविटी मत करो, जाकर अटैक मत करो, लेकिन इसराइल तो करता है, राइट, नहीं सुनता है। तो यहां पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए और इंडिया के लिए ना थोड़ा अलग रेस्पेक्ट है इसराइल के पास, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर ये बात अगर रखा जाए इंडिया की तरफ में तो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये देखना होगा कि इंडिया यहां पर क्या स्टैंस ले रहा है। तो इन फ्यूचर अभी यहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, और इन सब के लिए हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। बट व्हाट यू विल हैव टू डू फ्रॉम योर साइड, दैट इज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको श्रीराम्स आईएएस को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है हमारे इस परिवार के साथ। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।